Awara Abdulla. Oh, Awara Abdulla. Ye pyaar ka halla galla. Andher hai khullam khulla. Oh, Awara Abdulla. Oh, Awara Abdulla. Ye pyaar ka halla galla. Andher hai khullam khulla. Oh, Awara Abdulla. दोनों है कुछ खोए खोई पहले मुलाकात है क्या बस पूछो हम तो बात है क्या दोनों है कुछ खोए खोए पहले मुलाकात है क्या शर्मिली खुद पूछो हम तो बात है क्या नहीं तो क्या है हम जान गए पहचान गए जिस्मान गए जी बिल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुबारक किले पर इस वक्त हमारा ही झंडा लहरा रहा है और शाही फौजों ने हथियार डाल दिए शाबाश नमक हराम वजीर आजम अलान ने बादशाह सलामत को मौत के खाते तुम क्या कह रहे हो हिम्मत से काम लीजिए मलका आलम अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो इस शहजादे का क्या होगा यही आपका आखिरी सहारा है दिल को मजबूत कहिए और खाकसा के प्रसाद तशरीफ लाइए चलिए जल्दी कीजिए अब फौरन जाकर शहजादा शिराज और मलिका दोनों को खत्म कर दो और पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दो शहनशाह मर चुके हैं और हुकूमत की बात दर हमने संभाल ली है कोई भी नहीं है ढूंढो बलात्कार करो मलिका और शहजादा जहां भी मिले उन्हें कम कर दो जाओ लेकिन नए शहनशाह को क्या जवाब देंगे जब उन्हें मालूम होगा कि मलिका और शहजादा दोनों बच्चे निकल गए तो हमें कत्ल कर देंगे नए शहनशाह को यही मालूम होगा मलिका और शहजादा हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए हैं मरहूम शहनशाह की खिदमत में वफादार वजीर आजम नारा आदाब अर्ज करता है मरहूम शायद आप नहीं जानते कि दुनिया की नजरों में आप मर चुके हैं दरअसल आप अब मरने वाले जिंदगी और मौत इंसान के हाथ नहीं खुदा के हाथ होती है मकर फरेब से हासिल किए हुए इस ताज पर हमेशा तुम्हारा कब्जा नहीं रहेगा हम नहीं तो हमारा बेटा जरूर तुमसे इस बात का बदला लेगा और वही इस मुल्क का होने वाला शहनशाह होगा तुम्हारा बेटा तो मर चुका है मर चुका तो फिर हमारा दूसरा बच्चा शहनशाह होगा शायद तुम नहीं जानते हमारी मलिका हमला जब मलिका ही इस दुनिया में ना रही तो दूसरा बच्चा कहां से होगा सालिम तूने सबको खत्म कर दिया हाँ एक बात और सुन लो हमारी मलिका भी हमला है उसके जो बच्चा होगा वो बनेगा शहनशाह नहीं 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 ये नामुमकिन है ओ नामुमकिन हमें अपने खुदा और खुदा के इंसाफ पर भरोसा है जरूर कोई मुआजजा होगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारी बदी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे सूरज मस्जिद के बजाय मगरब निकल सकता है लेकिन तुम्हारी औलाद की ताजपोशी का दिन कभी नहीं आ सकता वो दिन आएगा आएगा और जरूर आएगा और वो दिन तुमको दिखाने के लिए हम तुम्हें जिंदा रखेंगे
लेकिन आज की बात याद रखो कि एक तरफ हमारे बेटे के सर पे ताज होगा और दूसरी तरफ तुम्हारा सर तंग कर दिया जाए। क्या हुआ? शहजादा पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम होता है कुदरत जबान पर मेहरबान है। सुना है आज आलान के यहाँ भी बच्चा पैदा होने वाला है। आइए अंदर आइए ना। छोटा शहजादा मुबारक हो मुल्का। ये निशान कैसा? निशान? ये सितारे का निशान है। ये निशान बहुत मुबारक होता है। हमारे लिए तो नहीं, वो नहीं रही, सल्तनत नहीं रही, कुछ भी तो नहीं रहा। दिल छोटा ना कीजिए मुल्का, खुदा ने चाहा तो सब वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारा जो तख्त का वारिस पैदा होने वाला है, दया की जरा सी गलती से हमारी सारी उम्मीदें खाक में मिल सकती। दाया की तरफ से आप मुतमैन रहिए, उसे हमारे खास वफादार सरदार जमान ने भेजा है और वो इस मुल्क की सबसे तजर्बाकार दाया है। लड़की मुझे दे दो और ये लोग शहजादा। इसे ऐलान के मलका के पास निकालो, फिर देखो कुदरत का तमाशा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा लाल? बेवकूफ, अब बच्चे को ढूंढ रही है? ये दोस्त का घर नहीं, दुश्मन का घर है। वो तेरा वफादार नहीं, ऐलान का वफादार। एक एक करके ऐलान सबको खत्म कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। हमारा शहजादा, ओह हमारा बच्चा कितना खूबसूरत है। आलीजा, ये निशान देख रहे हैं? ये तो सितारे का निशान है। आलीजा, जैसे आसमान पर सितारा चमकता है वैसे ही शहजादे का मुकद्दर भी चमकेगा। जरूर चमकेगा, ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाए। मलिका, मलिका कहो, मलिका कहो, चली गई मलिका। आइए, किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं हो गई? मुमकिन, हमें हर जगह उनकी तलाश करनी चाहिए। मगर ये बच्ची, ये नन्ही सी जान तो खुदा की देन है। हम इसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह करेंगे। आज से हमारी जिंदगी के दो मकसद होंगे, इस नन्ही सी जान की परवरिश और मलका की तलाश। मालिक का हुक्म शहंशाह का बजरिए ऐलान शाही हर खास आम को मुतला किया जाता है कि आज वली हद सल्तनत शहजादा कैसर की 20वीं साल गिरा है। लिहाजा रियाया के हर फर्द को लाजिम है कि वो बतौर इजहार अकीदत मुबलिक 5 दीनार सिक्के राय जुल वक्त अदा और जो हुक्म दूरी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खत्म छुट। कैसा जुर्म है? इसके भी घर चारा ही चारा देना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों देना पड़ेगा? खुदा का कहर कहर है। कैसा जमाना आ गया है? पहले फकीर हुकूमत के आगे हाथ फैलाते थे, आज हुकूमत फकीर के आगे हाथ फैला रही है। लानत है। नालायको
अगर इस फकीर के 5 दिनार के बगैर तुम्हारा खजाना खाली पड़ा है तो ले लो 5 दिनार, और अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो आन ले लो, और अगर इससे भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती तो ये रोटी के टुकड़े भी ले लो। गुफ्तार, अगर तुमने अपनी जबान को लगाम में दी तो इस तरह गर्दन तोड़ दी जाएगी। ए भाई, वे बाकी जाओ। अरे मारना तो तुम कर दूंगा। Oh.
हमको मारता है क्यों तेरी तो शाबाश बहादुर, हम तुमसे खुश हुए। छोड़ दो इन्हें, तुम्हें जो भी शिकायत हो हमसे। ये आपके आदमी हैं? चार से बुलाया तो गिरफ्तार कर लिया। कसम पूरा जादू है, बदतमीज आदमी है ये। नहीं यार, मजाक मत कर, मजाक का टाइम बात कर। चलो आप लोग मेरे बच्चे, मेरे लाल, छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ नहीं, जजादे नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरी आंखों का तारा है। दारा गलती से सूरज के सामने आ गया बड़ी भी, इसीलिए उसका डूबना लाजमी है। नहीं नहीं शहजादे, ऐसा मत कहो, माँ के प्यार को समझो। तुम भी किसी के बेटे, तुम्हारी भी कोई माँ होगी बेटे, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। हमारी माँ मर चुकी और उसके साथ माँ की मोहब्बत। सिपाहियों ले चलो, कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा ये हंसने ये शबाब कोई।
अरे मुझे छोड़ दे मेरा भाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे क्या हो तेरे मैं मर गया, मैं मर गया हूँ, तलवार आके पार हो गई है। क्यों भाई नहीं तो बनाते हैं जी बिल्कुल नहीं है? तू करो भाई, मैं क्यों हूँ? तू करो, तू घूमता क्यों, नाचता क्यों है? अरे तू है फंदा क्यों फेंका? तुम्हें पकड़ने के लिए। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, देखती नहीं सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं फोन करके भाग गया? नहीं नेक आदमी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। नाम बुरा नहीं, खुदा हाफिज। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज, नाम भी अच्छा, तुम भी अच्छी हो। हाँ।
नहीं घुसता। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। आज से 20 साल पहले तुमने अपने शहनशाह को खत्म करके शिराज था। उन दोनों को आली जाके हुक्म से हमने खत्म कर दिया था। तुम झूठ बोलते हो। मलिका जिंदा है और शिराज तुम्हारे सामने खड़ा है। शिराज नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। डरो मत अलान, आज हम तुम्हें खत्म करने नहीं आए, सिर्फ ये कहने आए हैं हमारी जगह पर जुल्म करना छोड़ दो। इस मुल्क के होने वाले शहनशाह की हैसियत से मजलूम की हिफाजत करना और जालिम को सजा देना हमारा फर्ज है। तुमने इधर से किसी लड़की को भागते हुए देखा है? देखा है। कहाँ है? वो गायब हो गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आगे खुल गए, वो गायब हो गए। बदतमीज, हमसे ख्वाब की बातें करता है। क्या हुआ? ये कौन था? वो चला गया, मगर ये कौन आ रहा है? उस्ताद सामने आओ। आने दो। अरे तगड़ा मालूम होता है, आओ जल्दी। आ रहा है उस्ताद, बाकी रह गया। Thank you.
अच्छे बहुत अच्छे। उस्ताद जल्दी कुछ करो वरना खतरा है यहाँ पर। चलो लो लेकिन लो ये अपना बोल रहा हो अमर छोड़ो उस्ताद ये लगाना है ना बाकी ये है नीचे का गई। अरे ये नीचे का ये थैला कुछ भारी हो गया है अखरोट। क्यों नहीं भारी होगा तुम्हें जरूर मारा मारी करनी चाहिए। उस्ताद मेरी बात मानो जरा दूध तो इस्तेमाल बना लो मतलब हमारा बैठक छोड़ दो। अरे घी दूध की मुझे जरूरत नहीं जरा उठाओ तो इसको। नहीं 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 ये काम इसमें होगा एक गधे का बोझ है तुम्हारे खंडे का अच्छा मालूम। क्या कहा मैं कहने मतलब और थोड़ा सा यार कुछ आपने को दौड़ यार। उस्ताद एक बात बताओ क्या तुमने कभी मोहब्बत की है। हाँ की है की है। अरे उस्ताद ये दाढ़ी और ये मूंछ और फिर मोहब्बत निकालो। अरे अरे अब उस्ताद ये बताओ वो लड़की कौन थी। नाम शहनाज। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। तो उस्ताद तुम्हारे दिल में धड़कन तो पैदा हुई होगी। नहीं तो नहीं मेरा मतलब कि कुछ ऐसा वैसा कुछ यूं ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर उस्ताद अपना इलाज करवा लो। ओ आवारा अब्दुल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला ये प्यार का हल्ला गुल्ला अंधेर है खुल्लम खुल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला ये प्यार का हल्ला गुल्ला अंधेर है खुल्लम खुल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला दोनों है कुछ खोए खोए पहले मुलाकात है क्या मिली आँखों से पूछो हम पहले बात है क्या। दोनों है कुछ खोए खोए पहले मुलाकात है क्या मिली आँखों से पूछो हम पहले बात है क्या नहीं तो क्या है हम जान गए पहचान गए बस मान गए जी बल्ला। ओ आवारा अब्दुल्ला अब्दुल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला प्यार का हल्ला गुल्ला बढ़ती हुई बेकरारी मुश्किल है हमसे छुपाना वो संदिग्ध पास आ जा अच्छे नहीं दिल जलाना। बढ़ती हुई बेकरारी मुश्किल है हमसे छुपाना वो संदिग्ध पास आ जा अच्छे नहीं दिल जलाना। Thank you.
चाहे हम जिंदगी जी कर देंगे तेरे पे हम अंगी आगन बड़ा भरी राहों से तेरे अंदर किस बात कर हाँ शौक से कर बिस्मिल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला ओ आवारा अब्दुल्ला जिन प्यार को हल्ला गुल्ला अंधेरे है कोई रंग खुला ओ आवारा अब्दुल्ला ऐसे नहीं ठीक से लड़ो शाबाश शाबाश ठीक से लड़ो उस्ताद उस्ताद क्या खबर है अहमद हुजूर मुल्क में ये खबर आपकी तरफ फैलाई जा रही है कि आप जिंदा है हवा का रुख अपनी तरफ होता जा रहा है अच्छा बस सिर्फ एक बार अगर आप आवाम के सामने जाहिर हो जाए तो सारी रियाया आप पर जान देने को तैयार हो जाएगी इसीलिए तो आज अखरोट को भेज रहा हूँ अखरोट कहाँ है अखरोट जुड़ गई अखरोट तो पहले चूरने का अखरोट क्या बात हो रही है अखरोट तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो कर रहे थे बात शाही महल क्यों नहीं गए जा ही रहे थे लेकिन बात ये हुई भेज बदले भाई अब्दुल्ला वक्त पे पहुँच जाना वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी हाँ हाँ पहुँच जाऊँगा तुम बेफिक्र रहो मैं तो बेफिक्र हो जा रहा हूँ लेकिन कहीं तुम बेफिक्र नहीं हो जाना अखरोट तुम हम पर यकीन करो अगर हमें मोहब्बत है तो सिर्फ तुमसे हाँ तुम ही हमारी महबूबा हो और तुम ही हमारी होने वाली मलिका हो पलट शहजादे साहब ठीक कहते हैं आप उन पर यकीन कीजिए शहजादे झूठ नहीं बोला करते बोल बच्चा मरहबा मरहबा कौन है तुम हाँ हाँ बाबा सर जो हम उस्ताद राजदान नजुमी जो हो चुका उसे जानते हैं जो हो रहा है उसे जानते हैं जो होने वाला उसे जानते हैं बोल बच्चा बसबा मरहबा दादी जी कीजिए दादी ठीक है मेरी नहीं उस्ताद अपनी मेरी मेरी भी ठीक है मैं मेरी हाँ हाथ में आ गए ये भी हाथ में आ गई दाढ़ी नकली है लेकिन हम लोग असली हैं बोल बेटा मरहबा बकवास बंद करो बंद इन दोनों की नंगी पीठ पे दस दस कोड़े लगाओ चल दे अब छोड़ दे हुजूर दस नहीं दस हजार कोड़े लगवा दीजिए दस हजार कोड़े लगवा दीजिए लेकिन उस्ताद राजदान का कुछ करिश्मा दिखाने को मौका दीजिए बबन ठहरो बबन गुस्ता की माफ शहजादे जरा देखे तो सही ये क्या करिश्मा दिखा सकते हैं आदमी तो दिलचस्प मालूम होते हैं शुक्रिया शुक्रिया खुदा आपका भला करे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अच्छा तो ये बताओ हमारे शहजादे की ताजपोशी कब होगी यानी कि हुजूर के सर पे ताज कब आने वाला है अभी देख लीजिए अभी देख लीजिए ये दुनिया है आनी जानी तू भी फानी मैं भी फानी दूध का दूध और पानी का पानी बोल बच्चा मरहबा मरहबा आहिस्ता बोल बच्चा चल पलट काबे आलम के साथ जो कुछ आने वाला है इसे जल्दी हाजिर कर कर आहिस्ता खूब ज्यादा मतमार बड़ा हो जाएगा जूते नहीं हुजूर ये जूते नहीं है बल्कि ताज बब्बन इन दोनों को ले जाकर खैर खाने बंद कर दो ये दोनों बहुत बड़े बदमाश मालूम होते हैं हुजूर इस करामत देखिए इसके एक बार करामत देखिए आप देखिए सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला किसका मुंह काला जल्दी बता चल वोट धातु नकार सिपाहियों ले जाओ इन बदमाशों को और कल सुबह चौराहे पर इन दोनों की गर्दन उड़ा दो ताकि देखने वाले इबरत हासिल कर सके बहुत बहुत शुक्रिया अब तुम दोनों की जिंदगी के लम्हे खत्म हो चुके
मरने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, पूरी की जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। हम इन भाइयों से कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाजत हो शुरू हो जाए। इजाजत है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो भाइयों, मैं आपको आज से 20 साल पहले की याद दिलाता हूँ। आज से 20 साल पहले, जब कि आज के जवान बूढ़े थे। नहीं नहीं, हाँ, आज के बूढ़े जवान थे और आज के जवान बच्चे थे। हाँ, और आज के बच्चे, अरे बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त आलान ने अपने शहनशाह को खत्म करके हुकूमत पे कब्जा कर लिया था, याद है आप लोगों को? हमें सब याद है। शाबाश, मर के आलिया शहजादा सिराज को लेकर चले गई। बोल रहा है, वो दोनों भी खत्म किए जा चुके हैं। आप खामोश रहिए हुजूर, आप खामोश रहिए। मौत की सजा हमें मिली है, आपको नहीं, और आखिरी ख्वाहिश हमारी पूरी होनी चाहिए। तो हाँ भाइयो, मर के आलिया भी जिंदा है और शहजादा सिराज भी जिंदा है। मलिका आलिया जिंदा है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। जल्लाद, फंदा डालो। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी बात तो पूरी होने दो। अरे तुम क्यों गर्म हो रहे हो भाई साहब? फंदा भी पड़ेगा, हमारी गर्दन भी फंस जाएंगी। मगर याद रखना, जब तक सिराज जिंदा है तब तक हम जिंदा है, क्योंकि सिराज गरीबों का मददगार है। सिराज यहाँ जरूर आएगा और हमें बचाएगा। हाँ, और सिराज अपने रिया पे कभी जुलूम होने नहीं देगा, वो जरूर आएगा। डालो, आँखें खोल कर सुनो, कान खोल कर देखो, सिराज के घोड़े की तांतों की आवाज आ रही है। सिराज सिराज, उठाओ उसे। सिराज छोड़ दो। देखता हूँ आज वो मेरे हाथों से तुम्हें कैसे बचाता है। और चिल्लाओ ये तो शिराज आ गया, भागो। शुक्रिया। क्या जरूरत है, तुम्हारा हुसन हमें यहाँ खींच लाया है। हम तुम्हें अपनी मालिका बनाना चाहते हैं। ये नामुमकिन है शहजादे, मैं किसी और को चाहती हूँ। उस बुजुर्ग को चाहती हूँ जो दंदवा के भाग गया है। वो जैसे भी हो, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ। लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कैसे आदमी हो अब्दुल्ला, तुम्हें शिराज हो। मेरा अब्दुल्ला होने वाला शहंशाह, तुम्हारा गुलाम जूते।
क्यों रे अब्दुल्ला, तू तो कहता था कि फिर कभी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। क्यों अम्मी जान, फिर इसने कुछ ऐसा वैसा काम किया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। तो फिर ये दूसरा शिराज कहाँ से पैदा हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। अम्मी जान, आप तो कहती थे ना कि आपका दूसरा बेटा था। हो सकता है कि वो जिंदा हो और वो शिराज बन गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बाकायदा हो सकता है। वो आप ही का बेटा है। क्या शान है उसकी, जब वो घोड़े पर से निकलता है तो चारों तरफ लाए रखते हैं सिराज जिंदाबाद, सिराज जिंदाबाद, सिराज बाद बाद बाद। बेटा, मैं अपने छोटे बेटे के लिए तड़प रही हूँ, किसी तरह भी तू मुझे एक बार उससे मिला। हाँ उस्ताद, मिला दो मिला दो। मैं उसे देखते ही एक नजर में पहचान जाऊंगी। उसके बाएं हाथ पे एक सितारे का निशान है, एक सितारे का निशान है बेटे। माँ तुम फिक्र मत करो, वो जब भी मुझे मिलेगा मैं उसे तेरे पास ले आऊंगा। चलो उठा, मुझे भी कमा ले। मुल्क मालिक का हुक्म शहनशाह का, हर खास आवाम को इत्तला दी जाती है कि कल सुबह के पहले पहर शाही रकाजा जरीना को बागी शिराज से मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम में सजाए मौत दी जाएगी। सजा के वक्त आवाम की मौजूदगी मना है। सुना है हुजूर ने शनीस को सजाए मौत का हुक्म दिया है, लीजिए चलाइए तलवार। जरीना, तुम जानती हो हमने तुम्हें सजाए मौत का हुक्म क्यों दिया? मुमकिन है आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, मुमकिन है मुझसे आपका दिल भर गया हो। औरत मोहब्बत के दायरे से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं सकती। जरीना, ये तो सिर्फ शिराज को खत्म करने की एक चाल है, वो तुम्हें मजलूम समझकर तुम्हें बचाने जरूर आएगा। वो तो आएगा और वापस नहीं जाएगा। जरीना, कैसर प्यार करना भी जानता है और वार करना भी जानता है। आज रात को मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, तू कहीं मत जा बेटे, कहीं मत जा। माँ, जब तक तेरा हाथ मेरे सर पर है दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस्ताद, अगर आप जंग में जा रहे हैं तो मैं तुम्हें हार की जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा? इसलिए कि दुश्मन की चाल है। जरीना ने हुकूमत सामने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तुम मुझे मोटी सजा क्यों? उस्ताद, ये दुश्मन तुम्हें अकेले में घेरे खत्म करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है। हाँ फिर, लेकिन अगर आज हमने जरीना को ना बचाया तो लोगों का जोश ठंडा हो जाएगा, इसलिए हमें जाना ही चाहिए। जाओ, खुदा हाफिज। बेटा, तू एक दिन कहता था ना शिराज मेरा छोटा बेटा। हाँ माँ, बिल्कुल तुम्हारा बेटा। मैं तो कहता हूँ कि उस बेटे के सामने यह है ना तुम्हारा अब्दुल्ला। बिल्कुल अब्दुल्ला है। तुझे मालूम है वो कहाँ रहता है? हाँ। तू मुझे उसके पास ले चल बेटा। हाँ। मैं भी वही रहूंगी। हाँ। और अपने अब्दुल्ला को भी वही ले चलूंगी। और मुझे मान ली चलो, क्योंकि वो जब शिंसा बनेगा तो मैं वो क्या कहते हैं उसको, वजीर हजाम बन जाऊ, हजाम नहीं, वजीर वजीर आजम बन जाऊंगा। और फिर बहुत खुश लिखता हूँ। हे,
एक बार बुलंद हो साहब आलम की उम्र दराज हो हीरे और जवाहरात से लगा हुआ शाही कारवां बाहर इंतजार कर रहा है और ताजशाही हाँ आलिशा इस ताज को समरकंद के बेहतरीन कारीगरों ने एक महीने में तैयार किया है मैं बदौलत के सामने पेश किया जाए और हाँ बस ये समझ लीजिए आलिजा जैसे साहब आलम का सर वैसे ही ताज हाँ आलिजा इसके पहनने से हजूर के सर की जीनत दोबारा हो जाएगी मुलाजा फरमाइए और खासदार की अकल की दाद मैंने पहले कहा था क्या बता सिपाहियों बदमाश लड़की यहाँ से दो आदमी गुजरे अबे इधर किधर इधर इधर कहाँ जा गया बच्चा क्या पकड़ लिया ये तो नकली दाढ़ी उसे मारे तो असली समझ से पकड़ी असली का बच्चा आलम को आदाब बजा लाता है क्या बात है सालार आजम बहुत कुछ नजर आते हो खासदार साहिब आलम के लिए क्या था बेशबहा हीरा लेकर आया जिसके बगैर साहिब आलम की ताजपोशी नहीं हो सकती हमें पत्थर के टुकड़ों की जरूरत नहीं वो हमारे पास बहुत है अगर लाना ही था तो कोई ऐसी चीज ले आते जो हमारे दिल के तारीख वादियों को रोशन कर सके ऐसी ही चीज लाया हूँ साहिब आलम जरा सबर से काम दीजिए सालार आजम कौन है ये अपनी आंखों से देख लीजिए साहिब आलम
सुभान अल्लाह। हजूर, ये वही चांद है जिसकी आपको तलाश थी। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। हमें हरगिज ये उम्मीद न थी कि हम इस हसीना को हासिल कर सकेंगे। सालार आजम, साहिब आलम, ये किस चमन का फूल है? ये फूल सरदार जमान के हाथ खिला। ये उनकी अकलौती बेटी शहनाज है। शहनाज, इन्हें भी जबरदस्ती हिलाया गया। जमान से कह दिया होता तो बहुशी इस फूल को हमारे हुजूर में पेश कर देता। सालार आजम, तख लिया। हजूर, मैं भी हम कितने बदनसीब रहे कि ये चांद जमान के घर चमकता रहा। हम चिरागों से खेलते रहे। हमसे ज्यादा खुशनसीब हमारा रुखसार है जो हमसे पहले तुम्हारे बिस्तर नाजुक से टकरा गया। शर्म नहीं आती बेटे से इतने जुल्म करते हुए? जुल्म? हमने कब जुल्म किया? मुझे जबरदस्ती पकड़ के यहाँ क्यों लाया गया? जबरदस्ती? जबरदस्ती करना तो शहंशाह और फिर शहजादों की शान है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। जमान, कसम की मुझे उस पाप पर बख्शा। अगर तेरी रगों में वो शाही खून ना होता कि जिसका मैं वफादार हूँ, तो भी तेरा सर गरम कर देता। मैं भी कसम है तेरी फसीन लड़की के दिल पर हो चुकी। अगर तू इसका बाप ना होता तो हम तेरी कोटी कोटी में चले। सिपाही हो, गिरफ्तार कर लो इस महाराम को। हमारी ताजपोशी के बाद जब तू मलका बनकर हमारे पहलू में बैठोगी तब हम इस नमक हराम को आजाद कर देंगे। बेशरम कमीने, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं ताजपोशी तेरी नहीं शिराज की होगी। शहनाज तेरी नहीं शिराज के मलका बने के भाई हो। गुनाहों का खड़ा फाड़ चुका, वो एक दिन जरूर फूटेगा। सच की झूठ पे जरूर फतेह होगी। सिराज अपने बाप का बदला जरूर लेगा। कम ऑन, ले जाओ इसे। कौन था ये? ये कौन था? सिराज, सिराज बेटे। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं शहनाज की माँ हूँ। सिपाही जबरदस्ती मेरी बच्ची को उठाकर महल में ले गए। मेरे शोहर उसे बुलाने गए मगर अपने वापस नहीं लौटे। मालूम होता है कि अलान की जिंदगी के दिन खत्म हो गए। आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद जाता हूँ। अगर तुम शहनाज को बचाने शाही महल जा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि ये दुश्मन की चाल है, वहाँ तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मैं फर्ज की खातर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, सारे मुल्क की जिंदगी है। जरीना ठीक कहती है, आपको अपनी जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं। शाही महल में आपको अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर शहनाज का क्या होगा? शहनाज को भी बचाना है लेकिन साथ साथ सारे मुल्क को भी बचाना है। तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ आलान से है। उस्ताद, रियाया आज भी आपके वफादार हैं। जब सिपाहियों को असलियत मालूम हो जाएगी तो वो भी आपके वफादार हो जाएंगे। शिराज, मैं शाही महल की कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें आलान के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगी और तुम उसे अपना हिसाब बेबाक कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शिराज, तुम में ताकत तो है पर अकल नहीं। खूबसूरत औरत के चाल को भी नहीं समझ सके। कमीने, शहनाज को वापस कर दे वरना मैं तेरी सल्तनत को वीरान कर दूंगा। शहनाज, वो तो हमारी मलका बनने वाली है। झूठ है, तू उसे जबरदस्ती उठा लाया। वो मुझसे मोहब्बत करती है। तुझसे मोहब्बत तब करती थी जब तू शहनशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। अब हम शहनशाह बनने वाले, वो हमसे मोहब्बत करती है। क्यों, यकीन नहीं आया? अपनी आंखों से देख लेना। बनाने वाले ने मोहब्बत भी क्या शय बनाई है। शिराज कहता है अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो वो अपने आप को हमारे रहम पे छोड़ देगा और अगर हम उसे सजाए मौत भी दें तो उसे भी खुशी से कबूल कर लेगा। लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि हम तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शिराज तुम्हें कहाँ मिला? मिलता कहाँ, हमारे कैद।
यकीन नहीं आता। बब्बन जी, जी। अब तुम ये कहोगी कि अगर हम शिराज को आजाद कर दें? नहीं, तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। हम तुमसे शादी करने नहीं कहते शाना, हमारी तो एक मामूली सी दरख्वास्त है, चंद लम्हों के लिए हमें तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए। वो मुस्कुराहट भले बनावटी क्यों न हो, लेकिन हमें ये महसूस होना चाहिए कि तुम दिलो जान से नाच और गाने के जरिए हमें रिझाने की कोशिश कर रही हो। हम वादा करते हैं कि शिराज को आजाद कर देंगे, कहो मंजूर है? तुम्हारी खामोशी को मंजूरी समझ लें, लेकिन एक बात याद रहे, शिराज भी वहीं होगा, लेकिन तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। Thank you.
मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप शियाज को फौरन आगाह कर दीजिए। तुम बहुत बुरी हो शहनाज। शहनाज दुनिया की सारी हुकूमत एक तरफ और तुम एक तरफ हो, तो मैं दुनिया की सारी हुकूमत को ठुकरा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शिराज को एक ही शर्त पर आजाद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी मलिका बन जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। शिराज मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मैं शहजादी से मोहब्बत करती हूँ। औरत मोहब्बत की खातिर सब कुछ कर सकती है। जिस तरह मैंने शहजादे से वफा की है, शहनाज ने तुमसे वफा की है, उसे गलत ना समझो। असली चाल शहजादे की। मलिका आलिया, मलिका आलिया, कैसा हो गया? जरीना ने दगा दिया, कैसर ने सिराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? वही हुआ जिसका हमें डर था, भाई भाई से टक्कर हो गई। कौन भाई? अब मुझसे खामोश नहीं रह जाएगा। कैसे? दरअसल आपका छोटा बेटा है। मेरा बेटा? जी हाँ, जिस दिन पैसर पैदा हुआ उसी दिन आलाम के यहाँ एक लड़की पैदा हुई थी। मैंने और मेरे शहर ने उन दोनों बच्चों को बदल दिया। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं शाही महल में कैसे जाऊंगी? और जब तक मैं जाऊंगी खुदा जाने क्या। शहजादी की है और कभी बेवफा नहीं होती है शिराज, कभी बेवफा नहीं होती है। शादी से पहले ब्याह हो जाती है। अच्छा अपना क्या ना उसका उसका बेटा भी और बाप भी समझे, उसमें पहन लो और आखिर उतर जाओ और गुलिया कर दो मेरे पास। शाबाश बहादुर तुरहान, तुमने आज ये साबित कर दिया कि इस सल्तनत में तुम्हारी जोड़ का दूसरा कोई पहलवान नहीं है। कोई माई का लाल जो इस रुस्त में जमा से टक्कर ले सके? है कोई? है। कौन है? हम हैं। रुस्त में जो जहां हम चाहे तो इस मच्छरदा मसल दे, गाजर आलूदा मोड़ दे, मरोड़ दे, कुचल दे, आचार बना दे। आवाज भारी मालूम होती है, वहां से कोई आया कर रहा है, सामने आ जा। आवाज बहादुर, हड्डी पसली तोड़ के रख देना। ये बात है, अरे भाई मैंने बात तो सुन ली। अरे अरे बेअदब, जरा व्यवस्था सागर दादू तो कर करें सागर सर। और बच्चे ये दुर्दब मिल आएगा, ये पटारे को नहीं अपना। हाँ Thank you.
हुकूमत में तुम जैसे कमीनों के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, नहीं बेटे, नहीं। ये अलान का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा छोटा भाई। मेरा भाई? मेरा भाई? मेरी दूसरी आंख, बेटे। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये हमें तख्त से महरूम करने की साजिश है। तुम माँ बेटे दोनों मिलकर हमसे हमारा हक छीनना चाहते हो। कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मेरा बड़ा बेटा अब तो ताज का भूखा नहीं। भगवान, न हम इसके छोटे भाई हैं और न तुम्हारे बेटे, हमारी माँ मर चुकी है। सर्वस्व पर इतनी हावी हो गई कि तुम अपनी माँ तक को पहचानने से इनकार कर रहा है। अगर तू मेरा बेटा नहीं है तो ये निशान देखो। ये निशान? तुम ठीक कहती हो मां, ये वही निशान है जिसका तुम जिक्र किया करती थी। ये निशान इसका पैदाइशी निशान है, हमारे सलार आजम इस बात के गवाह हैं।
سائز سے جب پیدا ہوا تھا یہ نشان اس کے بازوؤں پر یہ حقیقت ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں ابا حضور یہ بوڑھی عورت میرا رشتہ ایسے گندے خون کا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنی ماں کے ہاتھ دھونا پڑے گا میرے بیٹے تو بیٹا کہو وہ ہے تمہارا بیٹا ہمارے طرف کیا دیکھتے ہو اگر اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو قید خانے میں جا کر اپنی موت کا انتظار کرو سمان شہن شہن سمان آپ ابھی تک زندہ ہی نہیں آتا ہاں سمان تمہارا بد قسمت داس کیا ابھی تک زندہ بد قسمت نہیں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے علی جا ساری دنیا کی خوش قسمتی ہے میرے آقا مجھے آپ سے بہت باتیں کرنے کی بہت کچھ بتانا ہماری ملکہ دشمن کے قبضے میں اور ہم ہمارے ہاتھ بہادر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے مالک کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں جان دینے کی بات نہیں بھائی جان لینے کی بات کرو میں تمہیں ایسا راستہ بتا دوں گا کہ دشمن کے گھر پہ جا کے وار کر سکتے ہو سمجھے پھر دیر کس بات کی ہے ارے بھائی تو سمجھ گیا لیکن تم لوگ سمجھے بھائی چل لو چلو سر اگر وہ تیری ماں نہیں ہے تو جب پہلی بار اس نے تیرے پیر پکڑے تھے تو تیرے جسم میں بجلی کی لہر کیوں دوڑ گئی تھی اگر وہ تیری ماں نہیں ہے تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ تیرے بازو پر ستارے کا نشان ہے میں نہیں جانتا تخت و تاج کے لالچ نے تجھے اندھا کر رکھا ہے اسی لیے تو اپنے بھائی کو بھائی اور ماں کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں نہیں بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہارا بڑا بھائی کیرار کیسا ہے میرا بھائی میرا کوئی بھائی نہیں میری کوئی ماں نہیں میری ماں مر چکے میں یہاں کا ہونے والا بادشاہ ہوں میں یہاں کا ہونے والا بادشاہ ہوں شیراز تمہارا آخری وقت آ گیا خفیہ طور پر تمہیں سزائے موت اس لیے دی جا رہی ہے اگر یہ سزا رعایا کے سامنے دی جاتی تو بغاوت ہو جاتی اب ہمارے ایک اشارے پر بغیر کسی ڈر کے یہ دونوں موٹر تمہارے بازو الگ کر دیں گی اور تمہارے سڑکتے ہوئے ڈیپو کو ڈھول کے تل تلے رون دیا جائے گا چلاؤ گاڑیاں چلاؤ
तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी मां को खत्म कर दिया जाएगा। बेटा, मेरी परवाह मत कर, मैं तो कब्र में पांव लटकाए बैठी हूँ, तू अपनी जान मत गवा बेटा, मत गवा। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो यूं बुद्धि मत बना रहे, अपनी ताकत का करिश्मा दिखा और अपना हक वापिस ले। माँ, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है बेटा। भाइयों, खत्म कर दो बुढ़िया को। बेशर्म ज़मीने, तू अपनी माँ को मारे हुक्म लगा है? साला, आगे चल, कुचल दो इन बागियों को, जल्दी जाओ। भी आगे बढ़ा तो गोली से मार दूंगा। अपने आप पढ़ाई में तमीज करना सीखो, ये तुम्हारा बराबर है। ये तुम सब लोगों ने क्या रट लगा रखी, क्या सबूत है कि मेरा भाई है? सबूत है ये दाया, सरदार दमान की बीवी, तुम्हारे पैदा की बस इन्होंने तुमके आलाम की बीवी की गोद में रख दिया था। ये राज इनके और इनके खावन के अलावा और कोई नहीं जानता। आलान भी नहीं समझता है कि तुम उसी के बेटे हो। रंजन, कैसा कैसा रंजन, रंजन तेरा यहाँ लाख की जगह अगर तुम दोनों भाई हो तो तुम दोनों का हाथ Good job!
जिंदगी बर्बाद करने वाले कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Ha!
तुम्हारे गुनाहों की इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि आज तेरी मां तेरी ही बेटी के हाथ से हो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, बदनसीब, शहनाज तेरी ही बेटी है। जब ये पैदा हुई मैंने इसे मलका के लड़के कैसर से बदल दिया। हाँ? परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। जी आप मिल गए, मेरे दोनों बेटे मिल गए। कैसे? शिराज, कैसे? इधर आओ बेटे, ये तुम्हारे अब्बा हजूर। अब्बा हजूर बेटे। कैसे? ये है बस अब्बा हजूर। ओ आवारा अब्दुल्ला, पहला गुल्ला।